असलम टुडेज़ लेक्चर नंबर थर्टी नाइन और सी एस टू ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आज का हमारा टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर्स और राधर टू बी मोर प्रिसाइस आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट क्लासेस जिनके अंदर हम डायनामिक मेमरी एलोकेशन करते हैं और फिर इन क्लासेज़ के लिए क्या लवाजमात हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है हाव बिफोर वी गेट इन टू दिस आई थिंक देर इज़ अ टॉपिक दैट वी नीड टू रिव्यू वो टॉपिक है पॉइंटर्स का रेफरेंसेस का और मेमोरी एलोकेशन का इनके बारे में हम बात करते हैं लेकिन मैंने देखा है कि जी आपके बहुत सारे सवालत हैं इन टॉपिक्स के ऊपर सो लेट्स टेक अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दिस एरिया वॉट आर पॉइंटर्स आई थिंक वी टॉक अनाफ अबाउट दम अ पॉइंटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कॉन्टेन्ज अ मेमरी एड्रेस सो इट इज़ नॉट अ वेरिएबल दैट कॉन्टेन्ज अ वैल्यू It is the address of memory that is contained inside a pointer variable. Variables can be C ki C++, so variables can be without type. So we can have a void pointer. Or they can be typed. We can have a pointer to an integer, a pointer to a character, a pointer to a float. Or now that we have our user-defined data types, classes we can have pointers to objects. साथ इसके रिलेटेड टॉपिक जो है वो है रेफरेंसेस का रेफरेंसेस भी एक स्पेशल किस्म का पॉइंटर ही है समझ लें कि जी उसमें भी मेमोरी एड्रेस होता है लेकिन पॉइंटर और रेफरेंस के अंदर कुछ फ़र्क हैं पॉइंटर्स मे पॉइंट टू नथिंग अ रेफरेंस ऑलवेज हैज़ टू पॉइंट टू समथिंग अ रेफरेंस इज़ लाइक एन एलियस फॉर एन ऑब्जेक्ट और अ वेरिएबल वेन आई सेन एलियर्स विच मीन्स एक ही चीज़ के अगर दो नाम हम इस्तेमाल करने चाहें तो फिर हम रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं लेकिन आई ऑल्सो मैंशन एट्स अ बैड आइडिया इट ओनली मेक्स द कोड कन्फ्यूजिंग सो लेट्स लीव रेफरेंसिस फॉर द मोमेंट आल कम बैक एंड टॉक अबाउट इन अ वर्ल्ड वेन वीर टॉक अबाउट पॉइंटर्स वी आय टॉकिंग अबाउट पॉइंटिंग टू एन एरिया इन मेमरी जितनी देर तक तो हम बात कर रहे हैं सिंपल वेरिएबल्स की तो एक पॉइंटर टू एन इंटीजर पॉइंट्स टू लोकेशन ऑफ एन इंटीजर इन मेमोरी। लेकिन हो सकता है कि हम वहाँ पे एक एरे रखना चाहें बहुत सारे इंटीजर्स रखना चाहें तो वी कैन स्टिल यूज़ अ पॉइंटर टू पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे ये तो सिंपल मैनिपुलेशन हो गई और फिर हर मेमोरी लोकेशन यानी अगर कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस हम लेना चाहें तो हम एम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं यही एम्पस एंड ऑपरेश का एक और मतलब भी है वो रेफरेंसेस के लिए है सो वी हैव टू बी केयरफुल वे वी आर यूजिंग इट सो यू शुड रिव्यू दैट टॉपिक रेफरेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादातर मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप कॉल बाय रेफरेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए करें फिर हमारा सिंटेक्स जो है बड़ा आसान हो जाता है वो स्टार्स जो हैं जो पॉइंटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती लेकिन वी कैन इम्प्लीमेंट अ कॉल बाय रेफरेंस इसके ऊपर भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं कि जी कॉल बाई वैल्यू क्या होती है कॉल बाई रेफरेंस क्या होती है वेरी ब्रीफली रतनी रिकैप जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो सी और सी प्लस प्लस का रूल ये कहता है कि बाई डिफॉल्ट अगर कोई आर्गूमेंट कोई ऑब्जेक्ट कोई वेरिएबल आप फंक्शन को पास करते हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू होता है विच मीन्स ऑरिजनल अपनी जगह पे मौजूद है उसकी एक टेम्प्ररी कॉपी बना ली जाती है और वो फंक्शन को पास कर दी जाती है फंक्शन उस कॉपी के साथ जो मर्जी करे औरिजिनल वैल्यू इंटैक्ट रहती है दैट इज़ अ कॉल बाय वैल्यू हावर इफ़ वी वांट द फंक्शन टू चेंज समथिंग इन द ऑरिजिनल ऑब्जेक्ट वेरिएबल और वट देन वी हैव टू पास दैट वेरिएबल और ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस टू डू दैट वी डोंट मेक अ टेम्प्ररी कॉपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और वेरिएबल वी एक्चुअली सेंड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल अब जब फंक्शन उसको मैनिपुलेट करेगा तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेट हो जाएगा उसकी वैल्यूज़ तब्दील हो जाएंगी। एक और वजह है जहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको बाई कापी भेजना इज़ इनफिशेंट उस टैग के ऊपर बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करेगा टेम्प्रेरी कापी बनेगी और वो टेम्प्रेरी ही है लिहाज़ा उस वक्त भी हम चाहें तो कॉल बाय रेफरेंस इस्तेमाल कर लें लेकिन उसमें हमें ख्याल ये रखना पड़ता है कि जी ये कॉल बाय रेफरेंस इस तरह का जब हम करें तो वो ऑरिजनल ऑब्जेक्ट को चेंज ना करें उसके लिए हमारे पास कॉन्स्ट की था जो कहता है कि जी हम एक कॉन्स्टेंट रेफरेंस पास कर रहे हैं इसको इस्तेमाल ज़रूर कर लें लेकिन इसकी वैल्यूज़ को तब्दील आप नहीं कर सकते एंड दैट अप्लाइज टू देट फंक्शन नाव हैविंग जस्ट कवर्ड दीज ब्रीफ पॉइंट्स साथ हम आते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर सी के अंदर एक तरीका था डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने का ये कॉन्सेप्ट जो है कि जी प्रोग्राम चलते वक्त डिटरमिन करे कि जी मुझे कितनी मेमोरी चाहिए यहाँ से उठाई जाए एलोकेट की जाए इस्तेमाल की जाए जब नहीं चाहिए वापस फ्री स्टोर पर डाल दी जाए ये एक इतना कॉमन फंक्शन है इतनी ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करते हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर कि सी प्लस प्लस लिखते वक्त सोचा गया कि इसको फंक्शन कॉल के साथ इम्प्लीमेंट ना किया जाए बल्कि कोई नेटिव ऑपरेटर बना दिए जाएं जो कि बहुत ही एफिशिएंट हो वो ऑपरेटर्स हैं न्यू और डिलीट ये कीवर्ड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं न्यू के साथ हम फ्री स्टोर से मेमोरी एलोकेट करते हैं एंड इट रिटर्न्स अ पॉइंटर सो नॉर्मली एक पॉइंटर लेफ्ट हैंड साइड पर आता है असाइनमेंट स्टेटमेंट के फिर इक्वल टू आता है फिर न्यू कीवर्ड आता है और फिर आगे जो भी चीज़ हम एलोकेट करना चाहें सिंपल एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि जी पी इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटेजर सो आ स्टेटमेंट इज इंट स्टार पी नीचे हम कहते हैं पी इज़ इक्वल टू न्यू इंट वॉट द स्टेटमेंट डज़ इज एक इंटीजर के लिए फ्री स्टोर से मेमोरी हासिल करता है एक इंटीजर के लिए उस इंटीजर स्पेस जो है उसका अपना कोई वेरिएबल नेम नहीं है लेकिन उसका एड्रेस जो है वो पी में स्टोर कर दिया जाता है नाव बाई यूजिंग द सिटेक्स स्टार पी विच मीन्स वॉट एवर पी पॉइंट टू हम उस इंटेजर वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं लेकिन ये है डायनामिक मेमरी एलोकेशन ये जब प्रोग्राम चलता है उस वक्त ये मेमरी एलोकेट होती है जब भी आप न्यू से मेमरी एलोकेट करेंगे तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो ये मेमरी डी एलोकेट की जाए उसके लिए हमारे पास डिलीट ऑपरेटर है सो so, जैसे हमने पी इक्ल टू न्यू इंथ कहा तो इसका जब प्रोग्राम ख़त्म होगा वहाँ पर हम डिलीट पी कहेंगे पी डिलीट नहीं होगा जो मेमरी पी ने हासिल की हुई थी जिसको वो पॉइंट कर रहा था वो मेमरी वापस फ्री स्टोर पर रख दी जाती है सो यू हैव टू हैव दीज कॉन्सेप्ट क्लियर सेम थिंग अप्लाइज वेन वी ट्राई टू एलोकेट मोर देन अ सिंपल वेरिएबल वेन वी ट्राई टू एलोकेट ए रेज When we try to use new to allocate space for an array, we use a very similar syntax except array kill square brackets and size bata de te. So now we can use something like p is equal to new int square brackets the ten. It says p is now pointing to an area of memory which has room to store ten different integers. So it's an array of ten integers. एंड पी विल बी पॉइंटिंग टू द बिगिनिंग पॉइंट उसके बाद आप उसको एक्सेस कर लें बाई इंक्रीमेंटिंग पी और असाइनिंग इट और यूजिंग इट लाइक एन एरे इसको मेमरी को फ्री करने के लिए इसका सिंटेक्स जरा सा डिफरेंट है वो भी मैं रिव्यू करता चलूँ जब भी आपने एरे एलोकेट की है तो उसको फ्री करने के लिए यू हैव टू से डिलीट स्क्वेयर ब्रैकेट्स पी दैट विल देन डिलीट एन अरे दैट पी पॉइंट्स टू इंटरनली कंपाइलर ने या सी प्लस प्लस ने ये रिकॉर्ड रखा होता है चलते वक्त कि जनाब कितनी मेमोरी एलोकेट हुई थी जितनी एरे के आपने इन दिस केस टेन इंटीजर्स के लिए मेमोरी रखी थी तो डिलीट एम टी स्क्र ब्रैकेट्स पी विल डी एलोकेट अ मेमोरी इक्वल टू इंटीजर्स विच पी पॉइंट्स टू डिलीट के बाद द पॉइंट पॉइंट नथिंग सो इट इज़ नाउ अ फ्री पॉइंटर आप इसको री करना चाहें तो कर सकते हैं ना लेट्स गो ऑन एंड लुक एट अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्लासेज या उनके ऑब्जेक्ट जो हैं ये वो हैं जिनके अंदर डेटा मेम्बर जो हैं वो बजाते ख़ुद पॉइंटर्स हैं सो आई एम कॉन्टीन्यूंग दैट कॉन्सेप्ट कि ये पॉइंटर्स क्या होंगे देखें दो तीन मैं एग्ज़ाम्पल देता चलूँ हम बार, बार बार बात करते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल्स बनाते रहें क्लासेज की एक हमने बात की क्लास मेट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर मैंने कहा कि ये टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होगी और इसका ये साइज़ होगा एसेट्रा एसेट्रा लेकिन द कॉन्सेप्ट कि हम एक तरफ तो एक जेनेरिक डेटा टाइप बनाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स होगी और ये थ्री बाई थ्री मेट्रिक्स होगी तो ये मज़ा नहीं आता हम चाहते ये हैं कि जी मेट्रिक्स की क्लास तो डिफ़ाइन हो जाए लेकिन इस क्लास के जरिए से हम ऑब्जेक्ट बेशक थ्री बाई थ्री मेट्रिक्स का क्रिएट करें बेशक टेन बाई टेन का क्रिएट कर लें बेशक फ़ाइव बाई फाइव यानी we want the size of the matrix to be variable. Now, you have to bring everything together and think in terms of how do we declare and manipulate arrays inside a C++ program. जब भी हम array declare करने जाते हैं तो उसके साथ हमें उसका size बताना पड़ता है It is necessary otherwise memory allocate नहीं हो पाती लेकिन that is static allocation जो कि program के अंदर हमने लिख दिया कि जी ये एक एरे होगी टू डायमेंशनल होगी इसकी एम रोज होंगे और एन कॉलम्स होंगे जो रियल नंबर्स हैं दे आर नॉट वेरिएबल्स और कंपाइलर ही उतनी मेमोरी उसके लिए एलोकेट कर लेता है जो रन टाइम पे अवेलेबल होगी अब हम बात कर रहे हैं कि जी कंपाइल टाइम पे हमें नहीं पता कि एरे का साइज क्या होगा हम चाहते हैं कि रन टाइम पर इतनी बड़ी एरे एलोकेट हो जाए उसके लिए वी टॉकिंग बैक टू अ क्लास अगेन हम चाहेंगे कि क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट के लिए जितनी मेमोरी उसको चाहिए वो एलोकेट हो जाए तो अगर हम क्लास मैट्रिक्स ही ले लें तो हम चाहेंगे कि इसके कंस्ट्रक्टर में हम रोज़ एंड कॉलम्स बता दें कि कितने रोज़ की और कितने कॉलम्स की हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए एक मैट्रिक्स चाहिए और फिर उसका कंस्ट्रक्टर क्या करे कि उतनी मेमोरी एलोकेट करके हमें वापस दे दे हाउ डू वी एलोकेट मेमोरी? वेल हैव जस्ट स्पोकन अबाउट इट दिस इज़ वेयर द न्यू कीवर्ड कम्स इन But, you also realize that as a data member of this class matrix, we cannot use fixed rows and columns in the class definition. We can't define a two-dimensional array inside the class and say that we will start negates the whole concept of extensibility. So, what do we do? We say that inside the class, we use something like int star m. जिसे एम इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर लेट्स कीप इट सिंपल हम मैट्रिक्स इंटीजर्स की ही डिफ़ाइन कर रहे हैं हम कहते हैं इन स्टार एम ये उसका डेटा मेम्बर हो गया लेकिन उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि इसके कंस्ट्रक्टर जो है दो आर्गूमेंट लेगा रोज एंड कॉलम्स बोथ आर इंटीजर्स जब आप कंस्ट्रक्टर में जाएंगे और याद रहे कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं विच इज़ एन इंस्टेंशिएशन ऑफ द क्लास उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है सो वेन वी गो इन दिस कंस्ट्रक्टर वॉट वी वॉन्ट टू डू इज वी वॉन्ट टू एलोकेट मेमरी फ्रॉम द फ्री स्टोर इक्वल टू द मेमरी दैट इज रिक्वायर्ड बाई रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम इंटीजर्स सो अगर थ्री कॉम थ्री आप कह देते हैं तो नौ इंटीजर्स के लिए मेमरी चाहिए अगर आप कहते हैं पाँच रोज़ और चार कॉलम्स तो हमें बीस इंटीजर्स के लिए मेमरी चाहिए नाउ इट इज़ वेरी सिंपल इनसाइड द कंस्ट्रक्टर वी विल से

वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमने कहा जी इतने इंटीजर्स चाहिए न्यू के साथ हमने मेमोरी उतनी हासिल की एम को असाइन कर दिया उस मेमोरी का एड्रेस ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया और उसके ऊपर उसके पास मेमोरी भी अवेलेबल है नाउ वी कैन यूज़ इट एज अ टू डायमेंशनल एरे एंड पुट एनी वैल्यूज़ वी वॉन्ट इन साइड इट देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ये रिक्वायरमेंट मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आज फिर रिकैप करते चलते हैं रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करेगा तो उस क्लास के लिए डिस्ट्रक्टर लिखना लाजमी है यू हैव टू प्रोवाइड अ डिस्ट्रक्टर फॉर दैट क्लास सो दैट व्हेन दैट ऑब्जेक्ट सीज़ टू एग्जिस्ट दैट मेमोरी दैट वाज एलोकेटेड बाय द कंस्ट्रक्टर इज रिटर्न टू द फ्री स्टोर इट इज क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट अदरवाइज क्या होगा होगा ये कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया उसने फ्री स्टोर से मेमोरी हासिल कर ली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ और हमने डिस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ उसका सो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया इसी मैट्रिक्स क्लास को ले लें डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर जो है जो एम पॉइंटर था वो पॉइंटर वाली मेमोरी रिलीज कर देगा इतनी सी मेमोरी जिसमें पॉइंटर जो है इससे वेरिएबल जो एड्रेस रखता है वो पॉइंटर ज़ाया हो जाएगा लेकिन वो पॉइंटर ने जो मेमोरी एलोकेट की हुई थी वो तो फ्री हमने की ही नहीं है Now that is an unreferenced block of memory, which cannot be used not by your program, not by any other program. It's a memory leak, something to avoid. So whenever we have a class, just may constructor ke hum dynamic memory allocation करते हैं, उस class के लिए destructor provide करनालाmi है, and that destructor must free the memory. Freeing is easy. Abhi मैंने आपको example दिया था, कि delete H operator call करते और फिर हमें जरूरत नहीं है याद करने की कि रोज़ कॉलम्स कितने थे ये जैसे डिलीट एम टी ब्रैकेट्स एम सो एटल से कि एम ने जितनी मेमोरी एलोकेट की थी वो सारी फ्री कर दो सो इट्स क्वाइट सिंपल बट वी मस्ट राइट दैट डिस्ट्रक्टर वॉट अदर प्रॉब्लम अराइज वेन एवर वी हैव ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास जहाँ पर डायनेमिकली मेमरी एलोकेट हुई हो अस लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट असाइनमेंट और इनिशलाइजेशन को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें देखें इनिशलाइज हम करते हैं इंट आई इक्वल टू ज़ीरो सेमीकोलन ये है डिक्लेयरिंग एन इंटीजर एंड इनिशलाइजिंग इट दूसरा तरीका है इंट आई semicolon आई इक्वल टू ज़ीरो सेमिकोलन इफेक्ट इसका यही है बट द बिहेवियर इज डिफरेंट पहले आई के लिए जगह एलोकेट होती है और फिर उसको एक वैल्यू असाइन होती है सो आई एम नाउ बिंग केयरफुल आई एम नो लॉन्गर कॉलिंग इट इनिशलाइजेशन आई एम कॉलिंग इट असाइनमेंट सेम अप्लाइज वेन एवर वी यू वेन एवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यू कैन ईदर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड इनिशलाइज एट द क्रिएशन टाइम विच मीन्स के जी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड देन असाइन वैल्यूज टू इट्स डेटा मेम्बर्स लेटर

इट इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट और इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जी ये असाइनमेंट करनी कैसे है अगर आप अपना ओवरलोडेड लोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बताते तो सी प्लस प्लस जो है वो डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट कर देगा और डिफॉल्ट असाइनमेंट क्या होती है इट इज़ अ मेम्बर टू मेम्बर असाइनमेंट नाउ लेट्स अगेन लुक एट द कॉन्स्ट्रक्ट मेट्रिक्स क्लास के लिए हमने डेटा मेम्बर रखा क्या है हमने एक चीज़ रखी हुई है पॉइंटर टू एन इंटेजर सो इंट स्टार एम हमने लिखा हुआ क्लास डेफिनेशन के अंदर सो एम वन के अंदर देर इज पॉइंटर टू एन इंटेजर बट एम वन इज अ फुली क्वालिफाइड डिवेलप्ड ऑब्जेक्ट इट इज़ लेट सेट्रिक्स और उसमें नंबर्स डले हुए हैं नीचे जाके मैं कहता हूँ एम टू इक्वल टू एम वन एम टू का अपना इंट स्टार एम भी है इट ऑल्सो हैजंटर टू एन इंटेजर एज इट्स ओन डेटा मेम्बर अगर हम कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लिखते इस क्लास के लिए तो एम वन का जो पॉइंटर था एम वो एम टू के एम के अंदर उसकी वैल्यू लिखी जाएगी ना यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर पॉइंटर वेरिएबल्स हैं दे बोथ होल्ड द सेम एड्रेस लिहाजा दे आर पॉइंटिंग टू द सेम रीजन इन मेमरी कोई प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहली चीज़ कि जी एम वन आपने डिस्ट्रॉय कर दिया सो एम वन जब डिस्ट्रॉय हुआ तो अभी मैंने बताया कि जो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या ऐसी क्लासेस हैं इनके लिए डिस्ट्रक्टर लिखना लाजमी है वो डिस्ट्रक्टर एम वन ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ और उसने उसकी जो मेमरी एलोकेट की थी उसको फारेग कर दिया सो मेमरी इज़ नाउ फ्री इट हैज़ गॉन बैक टू फ्री स्टोर तो उस बेचारे एम टू के साथ क्या हुआ एम टू के अंदर एक पॉइंटर बैठा हुआ है विच इज़ पॉइंटिंग टू दैट सेम मेमरी बट द मेमरी इज़ नो लॉन्गर एलोकेटेड इट इज़ बैक टू द फ्री स्टोर उसमें कोई गार्बेज आ चुकी है किसी और प्रोग्राम ने इस्तेमाल कर ली है सो वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम वी डोंट वॉन्ट टू ऑब्जेक्ट्स टू पॉइंट टू द सेम रीजन इन मेमरी लिहाजा हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं और वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जब भी आपने असाइनमेंट करनी है अपने लिएदा जगह एलोकेट करो और फिर उस जगह के अंदर दूसरे ऑबजेक्ट की वैल्यूज़ कापी करो और फिर ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है सो यू हैव टू बी केयरफुल वेन एवर वी हैवे क्लास जिसके अंदर हम डायनेमिक मेमरी एलोकेशन करते हैं उसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी लिख लेना चाहिए द अदर पार्ट इज़ वॉट वी कॉल द कापी कंस्ट्रक्टर विच इज़ द मेन टॉपिक फॉर टूडे कापी कंस्ट्रक्टर की कब हमें ज़रूरत पेश आती है वेल well, अभी मैंने आपको असाइनमेंट का एग्जाम्पल दिया और बताया कि उसके अंदर डेंजर क्या है द सेम डेंजर अप्लाइज अगर इस किस्म का ऑब्जेक्ट जैसे मेट्रिक्स क्लास हम किसी फंक्शन को पास कर दें और चाहें कि वो फंक्शन कोई काम करे इसके ऊपर सपोज वी हैव अ फंक्शन विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मेट्रिक्स एज एन आर्गूमेंट डिफॉल्ट रूल क्या है सी या सी प्लस प्लस का इट्स एज कॉल बाई वैल्यू सो वॉट इज द वैल्यू फॉर दिस ऑब्जेक्ट दैट इज़ गोइंग टू बी पास टू द फंक्शन भाई उसके जो डेटा मेम्बर्स हैं उनकी वैल्यू स्टैक पर डाल दी जाएगी फंक्शन में जाएंगे एक टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड बाई वैल्यू ऑरिजिनल ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं हम कर रहे लेकिन उस टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट के डेटा मेम्बर्स की वैल्यूज़ क्या होंगी वो वैल्यूज़ वही होंगी जो कि ऑरिजिनल मेंबर की थी अब अगर ये सिंपल क्लास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जहाँ पे क्लास आ गई मैट्रिक्स तरह की जहाँ पर एक पॉइंटर मेंबर बैठा हुआ था और पॉइंटर मेंबर ने अपने लिए कोई जो मेमोरी है वो एलोकेट की हुई थी अब जब आप फंक्शन में जाते हैं उस वक्त उसके पॉइंटर की वैल्यू कॉपी हो के एज अ वैल्यू पास हो जाती है मेमोरी पास नहीं होती अब आप फंक्शन में गए यू हैव अ टेम्प्ररी ऑब्जेक्ट बट द टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ पॉइंटर मेम्बर विच इज़ पॉइंटिंग टू द सेम मेमरी लोकेशन एज द ऑरिजिनल ऑब्जेक्ट अगर तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ बदलें टेम्प्ररी ऑब्जेक्ट पास बाय वैल्यू इन टू दिस फंक्शन यू कैन ओनली चेंज दोज़ वैल्यूज़ यूजिंग द पॉइंटर मेम्बर ऑफ द क्लास पॉइंटर को जैसे ही आपने हाथ लगाया ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ बदल गई ह्यूज साइड इफेक्ट और वो हमारे अनजाने में हुआ है। हमने तो कॉल बाय वैल्यू की है कॉल बाय रेफरेंस की ही नहीं है हमें पता है कि जी एक टेम्प्री ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फंक्शन को पास हुआ है सो हाउ कैन वी गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम द वे टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इज टू क्रिएट अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट सो वी वॉन्ट कि ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की कॉपी बने जिसमें उसका पॉइंटर की एक कॉपी बन जाए लेकिन पॉइंटर जो है इट मस्ट नॉट पॉइंट टू द सेम मेमरी लोकेशन इट मस्ट पॉइंट टू इट्स ओन मेमरी लोकेशन सो वी वॉन्ट टू हैव अ कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर एक कॉन्स्ट्रक्टर जो कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करे विद अ फुल कॉपी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इसको हम डीप कॉपी भी कहते हैं एज अपोज टू अ शेलो कॉपी शेलो कॉपी जैसे शेलो पानी होता है कि जी गहरा नहीं होता वो क्या करती है वो मेंबर टू मेंबर उसकी वैल्यूज कॉपी कर लेती है एंड इट डजेंट केयर कि जी मेंबर पॉइंटर है कि ऑर्डनरी वेरिएबल है ऑर्डनरी वेरिएबल्स का कोई मसला नहीं है उनकी कॉपी बनाया इज परफेक्टली वैलिड एंड डीग बट इफ़ वी मेक अ मेंबर कॉपी ऑफ अ पॉइंटर वी रन इन टू दिस प्रॉब्लम कि पॉइंटर की वैल्यू वही रह जाती है नया पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट होता है यू डोंट क्रिएट और एलोकेट न्यू मेमरी फॉर दैट सो वी हैव टू राइट समथिंग स्पेशल विच इज़ कॉल्ड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक किस्म के आप यू हैव टू इमेजिन कि इसका सिंटैक्स होगा क्या द बेसिक लाइन इज यू ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय पासिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज द आर्गोमेंट सो यू शुड थिंक ऑफ अ कंस्ट्रक्टर यही अगर हमारी क्लास मेट्रिक्स है तो उसका प्रोटोटाइप जो होगा इट विल बी मेट्रिक्स देखें कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है So, the name of this constructor will be matrix. Now, we are saying, isko ek argument pass hoga, and an argument will be a, an object of the same class, and normally that is a reference to an object of the same class. So, the prototype of the copy constructor is matrix, and then within parentheses, matrix and. The ampersand says, isko ek reference pass hoga of an object of type matrix. उसके बाद बारी आ जाती है कि जी इसको लिखना कैसे है जब भी हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने जाते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल वी हैव टू एलोकेट न्यू मेमरी फॉर दैट कॉपी सो व्हेन वी गो इनटू दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर पहले हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जिसका रेफरेंस पास हुआ है उसने कितनी मेमरी एलोकेट की हुई है सिंस वी पास द ऑब्जेक्ट वी कैन गेट ऑल द क्वेरीज फॉर एग्जाम्पल मेट्रिक्स के लिए रो कॉलम कितने हैं उसके लिए एक नई मेमोरी हम एलोकेट करते हैं सो so, एक टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं इनसाइड द कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट की फिर उसकी मेमोरी जो एलोकेटेड है उसमें उसकी वैल्यूज़ कॉपी की जो ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस पास हुआ है उसकी वैल्यूज़ उठाएं और नई मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ कॉपी की जो इसका पॉइंटर है इंट पॉइंटर था टू मेमोरी वो अब इस नई जगह को पॉइंट करेगा और ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्टर आपको याद रहे रिटर्न कुछ नहीं करता सो दे इज नो रिटर्न स्टेटमेंट इट जस्ट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन दिस केस वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट जो कि मेमरी एक्चुअली एलोकेट करता है और फिर सिर्फ शेलो कॉपी नहीं करता सो देर इज नो कॉपी ऑफ द पॉइंटर वैल्यू इन फैक्ट द पॉइंटर हैज़ अ न्यू वैल्यू बट द वैल्यूज बीग पॉइंटेड टू विच मीन जो मेमरी एलोकेट की थी उसमें जो नंबर लिखे हुए थे उनकी कॉपी बनाई जाती है इन टू दिस न्यू एलोकेटेड मेमरी एंड देन दिस फुली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट इज रिटर्न नाउ वी हैव दिस फैसिलिटी कि जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख लिया तो नाउ वी कैन डिफाइन न्यू ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स स्पेशली ऑब्जेक्ट्स जहां पर डायनेमिक मेमरी एलोकेशन होती है एंड वी कैन यूज दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम्स हाउ डू वी डू दैट आप के पास ऊपर लिखा हुआ है मेट्रिक्स ए परेंथीसीज थ्री कॉमा थ्री विल हैपन हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है जो लेता है रो कॉमा कॉलम्स एज द मेट्रिक्स इनिशलाइजर हमने उतने रोज और उतने कॉलम्स की मेमोरी एलोकेट की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया नीचे चलते चलते हम कहते हैं मेट्रिक्स बी और परेंथीसीज में लिख देते हैं ऊपर जो मैट्रिक्स ए बनी थी उसकी पूरी कॉपी बन जाती है एंड अ न्यू मेट्रिक्स ऑब्जेक्ट बी इज क्रिएटेड लेकिन बी का अपना पॉइंटर है अपनी मेमोरी एलोकेशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेमोरी एलोकेटेड इनसाइड द मेट्रिक्स ए नाउ ए कैन डाई यू कैन से इसको डिस्ट्रॉय कर दो फंक्शन में क्रिएट हुई थी फंक्शन से वापस हुआ ए डाइज बी इज़ नाउ स्टिल अ वैलिड मेट्रिक्स ऑब्जेक्ट सो अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज क्रिटिकली यूजफुल It is useful when we want to create a duplicate copy of an object. And it is always used whenever we want to do a call by value into a function, or us function ko hum koi object pass kar Or object jo hai wo us class ka hai jisme humne dynamic memory allocation kar rakhi hai. Let us take a look at an example to get these concepts down. एग्जाम्पल हम एक छोटी सी क्लास लिख लेते हैं लेट्स कॉल इट अ स्ट्रिंग क्लास जिसका एक मेंबर है विच इज़ अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर और एक कोई हम उसका मेंबर फंक्शन दे देते हैं एक कॉपी फंक्शन जो कि इस कैरेक्टर एरे के अंदर वैल्यूज़ कॉपी कर सके देखिए मैंने पॉइंटर टू अ केरेक्टर कह के साथ ही एक कैरेक्टर एरे कह दी सो यू नो वॉट कमिंग कंस्ट्रक्टर होगा वो एक एरे यानी एक कैरेक्टर एरे विच इज़ अ स्ट्रिंग उसके लिए जगह एलोकेट करेगा और उसका स्टार्टिंग एड्रेस इसके डेटा मेंबर में डाल देगा अब इसको आप ये करें कि जी इसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाएं फॉर द मोमेंट कीप इट वेरी सिंपल दो ऑब्जेक्ट्स बनाएं एस वन और एस टू लेकिन एस वन आप बनाएं और आपने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखना सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर लिखना है जो कि असाइन कर सके इसके, इसके अंदर वैल्यूज या कॉपी हमने बना लिया एक फंक्शन उसके लिए एस वन में आप उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसको कोई स्ट्रिंग असाइन कर दें नीचे जाके आप कहें स्ट्रिंग एस टू इक्वल टू एस वन सो आपने एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर उसकी वैल्यूज़ एस वन से ले ली सो so उसको इनिशलाइज कर दिया विद द वैल्यूज़ ऑफ़ एस वन याद रहे हमने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ लिहाजा सी प्लस पस अ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर अब अगर आप S2 की स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये वही है जो S1 की स्ट्रिंग है अभी तक सरफेस से हर चीज़ ठीक लग रही है कि जी आपने S2 बनाया ही है और उसको कह इक्वल टू S1, वन सो दे मस्ट बी द सेम ना कम्स द फन पार्ट यूज द कॉपी फंक्शन टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू द स्ट्रिंग इन साइड द इन साइड द ऑब्जेक्ट एस वन सो वी से एस वन डॉट कॉपी और कोई नई स्ट्रिंग दे देते हैं उसके बाद आप करें एस टू डॉट प्रिंट ना यूल सी द सरप्राइज कि एस टू डॉट प्रिंट वही वैल्यू प्रिंट करता है जो अभी अभी आपने एस वन को असाइन की थी वजह उसकी सिंपल है उसमें डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ था उसने मेंबर टू मेंबर कॉपी की है उसने जो कैरेक्टर पॉइंटर था उसकी वैल्यू जो है एस टू के अंदर डाल दी सो द पॉइंटर्स आर नाउ पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन नाउ We need to provide a copy constructor even for a class like this, and we have to provide a destructor because we are doing dynamic memory allocation inside the constructor of the class. What else is affected? The other part that is affected is the assignment operator itself. Now, we ki that the assignment operator of something like this class the dynamic memory allocation. Ho rahi ho, उसके अंदर भी कुछ डेंजर्स हैं आंखें बंद करके हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लिख सकते ऐसी क्लास का दैट ऑपरेटर मस्ट फर्स्ट लुक एट द फैक्ट कि जी आप सेल्फ असाइनमेंट तो नहीं कर रहे आई रिकैप दैट टॉपिक फॉर अ मोमेंट सपोज यू हैव एन इंटिजर आई सो यू से इंट आई आप कहते हैं आई इज़ इक्वल टू टेन और नीचे जाके आप कहते हैं आई इज़ इक्वल टू आई कोई मसला नहीं होता वैसे लीगल स्टेटमेंट लेकिन मोर कॉम्प्लिकेटेड अगर आप पॉइंटर के थ्रू इसको असाइन करें और पॉइंटर उस अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है तब भी कोई मसला नहीं होगा लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट में गए और उस ऑब्जेक्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हुई है तो अब असाइनमेंट का तरीका बदल जाता है मेट्रिक्स को ले लें आपके पास एक मेट्रिक्स का ऑब्जेक्ट था उसमें तीन रोज और तीन कॉलम्स थे दूसरा ऑब्जेक्ट मेट्रिक्स का उसमें पांच रोज और पांच कॉलम्स थे लेट्स कॉल द फर्स्ट वन थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं एम वन फाइव बाय फाइव को नाम दे देते हैं एम टू प्रोग्राम में चलते चलते हम कहते हैं एम वन इक्वल्स एम टू एम टू बड़ा ऑब्जेक्ट है एम वन छोटा ऑब्जेक्ट है हम चाहते हैं कि बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन हो जाए इट फिट द आंसर इज इट वॉन्ट फिट सो व्हाट मस्ट द असाइनमेंट ऑपरेटर डू द असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लास पहले जाके मेमोरी को डी एलोकेट करेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी रिजर्व की हुई थी उसको डिलीट के साथ फ्री कर देगा उसके बाद वो राइट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट को देखेगा कि इसको कितनी मेमरी चाहिए उसके बाद वो न्यू ऑपरेटर के जरिए उतनी मेमरी फ्री स्टोर से हासिल करेगा जब वो मिल जाती है फिर वो वैल्यूज़ कॉपी करेगा और एम वन इक्वल्स एम टू जैसी सिंपल स्टेटमेंट तब जाके इफेक्टिव होगी सो असाइनमेंट हैज़ अ रिक्वायरमेंट अब जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि जी आई इक्वल टू आई कह दें तो प्रॉब्लम कोई नहीं आता लेकिन अगर मैं एम वन इक्ल टू एम वन कह दूँ तो क्या होगा हमने अभी असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफाइन किया कि जी सबसे पहले वो एम वन यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट है उसकी जो मेमोरी एलोकेटेड थी उसको डिलीट करेगा उसने डिलीट कर दी अब वो कहता है कि जी जो राइट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी मेमरी है भाई राइट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट तो वजाते खुद वही था सो so, उसकी तो मेमरी डिलीट हो चुकी है यू गॉट अ प्रॉब्लम सो जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास विच हैज़ डायनेमिक मेमरी एलोकेशन द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इज़ चेक फॉर सेल्फ असाइनमेंट ये तो नहीं हो रहा कि दोनों तरफ एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी मेमरी डिलीट कर दी तो ऑब्जेक्ट ज़ाया हो जाएगा सो so असाइनमेंट में तो हम सेल्फ असाइनमेंट पहले चेक करते हैं और फिर जाके बाकी काम करते हैं ऑन द अदर हैंड अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि जी हम मेट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं यूजिंग अ कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय गिविंग इट अनदर ऑब्जेक्ट कि इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो उसका सिंटेक्स हमने लिखा था मेट्रिक्स एम टू परंथीसिस एम वन

लेकिन ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल नहीं होता लॉजिकली इसको सोचें कि क्यों असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल नहीं होता असाइनमेंट ऑपरेटर तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल होता है ना लेफ्ट साइड पे कोई मैट्रिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तो वो कॉल करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को जब हमने ये डेक्लरेशन लाइन लिखी हुई है मेट्रिक्स एम टू एकम वन तो एम टू तो अभी कंस्ट्रक्ट हुआ ही नहीं अभी वो मेट्रिक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता

तो वही प्रॉब्लम रहेगा दोनों में पॉइंटर वेरिएबल की सेम वैल्यू आ जाएगी इट विल पॉइंट टू द सेम रीजन ऑफ मेमोरी लेट अस रीकैप दिस होल इशू जब भी आपके पास कोई ऐसी क्लास आती है जिसके अंदर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं उसके लिए नंबर वन यू मस्ट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डू डायनेमिक मेमरी एलोकेशन कंस्ट्रक्टर मेमरी फ्री स्टोर से हासिल करे ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली इनिशलाइज करें उसके पॉइंटर वैल्यूज़ का एड्रेस सेट करें एंड अ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करें नंबर दो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर ज़रूर लिखें एंड असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट एज अ फर्स्ट थिंग चेक फॉर सेल्फ असाइनमेंट कि जी आप अपने आप को तो नहीं डिलीट कर देंगे असाइनमेंट करते वक्त और फिर उसके बाद वो डीप कॉपी करे अपने लिए नई जगह एलोकेट करें उस जगह के अंदर पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कॉपी करें एंड अ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो तीसरी चीज़ क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना लाजमी है और डिस्ट्रक्टर बजाते ख़ुद जो है वो उस एलोकेटेड मेमरी को फ्री करें दीज थ्री रूल्स मस्ट बी फॉलोड इनको आप अच्छी तरह स्टडी कर लें और इसके लिए आप अगर छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख लें एंड यू कैन प्रूव टू योर सेल्फ दैट दे वर्क प्रूव करने का तरीक़ा क्या है कि जनाब आप अगर मेमरी एलोकेट करते हैं कंस्ट्रक्टर में और डिस्ट्रक्टर में उसको डिलीट नहीं करते तो यूजुअली आप नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम को जब सेकंड टाइम रन करेंगे तो वो नई मेमोरी एलोकेट कर लेगा कैन वी फाइंड आउट के कौन सी मेमरी एलोकेट की है यू सी आउट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर नॉट वॉट इट पॉइंट्स टू बट पॉइंटर की अपनी वैल्यू क्या है वो आपको स्क्रीन पे वो जीरो एक्स के साथ दिखाएगा यानी इट्स अक्सर डेमल फिगर वी डोंट केयर अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू बट यू विल फाइंड कि अगर आपने प्रॉपर डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया हुआ है तो एक ही कंप्यूटर पे एक ही सेशन में बैठे हुए एक दफ़ा प्रोग्राम चलाएंगे तो उसको वो एक खास एड्रेस एलोकेट हो जाएगा विद अ प्रॉपर डिस्ट्रक्टर यू एंड द प्रोग्राम यू स्टार्ट अगेन नाइन टाइम्स आउट ऑफ टेन वही मेमरी आपको वापस मिलेगी यानी वही एड्रेस आपको नजर आएगा वाई डिड एस ए नाइन टाइम्स आउट ऑफ टेन बिकॉज इट्स पॉसिबल कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ मेमरी को इन द मीन टाइम कर ले बिटवीन द टू टाइम्स दैट यू रन दिस प्रोग्राम लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे यानी उस मेमरी को डी एलोकेट नहीं करेंगे तो लाजमी है कि नेक्स्ट टाइम यू रन द प्रोग्राम उसको वो मेमरी नहीं मिलेगी कोई और मिलेगी सो यू कैन प्रूव टू योर सेल्फ कि नया एड्रेस आ गया और एवरी टाइम नया एड्रेस आ रहा है और वो मेमरी ज़ाया भी होती जा रही है सो प्लीज़ बी केयरफुल प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड प्रोवाइड अ डिस्ट्रक्टर फॉर दिस टाइप ऑफ क्लास दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे हैं कई जगहों पे एक्सप्लिसिटली इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे हमने एज प्रोग्रामर्स लिख दिया है मेट्रिक्स M2 टू परिस एम वन इट्स एन एक्सप्लिसट कॉल टू अपी कॉन्स्ट्रक्टर एम वन इज पास्ड बाय रेफरेंस हम नहीं चाहते कि एम वन कोई चेंज हो तो हम बीच में कॉन्स्ट का कीवर्ड भी लगा देते हैं इट्स जस्ट हेल्पफुल फॉर आस के लिए कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं इसको कुछ नहीं करेगा उसकी एक कॉपी बनाएगा ये तो एक्सप्लिसिट यूजेज है प्रोग्राम पढ़ेंगे आपको नज़र आ जाएगी कि जहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पर नज़र नहीं आएगा लेकिन हो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही रहा है वो है डेक्लेशन ऑफ मेट्रिक्स एम टू इक्वल टू एम वन केयरफुल इट इज़ नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर इट इज़ अ कॉपी कॉन्स्ट्रकटर तीसरा कॉलिंग फंक्शन एंड पासिंग एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू अगर आपने कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर प्रोवाइड किया हुआ वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा ऑब्जेक्ट की कॉपी पूरी प्रॉपर विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड ऑल वो टेम्प्ररी कॉपी बन के फंक्शन के अंदर जाएगी अगर आप कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेंगे कॉल बाई वैल्यू वाले फंक्शन लाजमन आपको प्रॉब्लम देंगे वो उसमें जाके अगर आपने ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू बदल दी तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू बदल जाएगी और आप सोच रहे होंगे मैंने तो कॉल बाय वैल्यू किया था कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो कायम है वो कायम नहीं रहता फंक्शन कॉलिंग के अंदर जब भी आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड ऑन द अदर हैंड कॉल बाय रेफरेंस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास हो जाता है सो so, ये दो तीन जगह हैं जहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है and it is critical that you learn how to write them. Okay, many complex things. एक और danger की भी बात कर लें ये बात यहाँ पर आती है कि जी अगर copy constructor आप provide नहीं करते मैं इस चीज़ को इसके इस वास्ते बार बार stress करता हूँ कि जब भी आप ऐसी class लिखें तो लाजमन ये चीज़ें provide करें Suppose you do a call by value into a function. एक चीज़ तो हमने ये बात कही थी ना कि जी वो अगर वैल्यू बदलेगा तो मेन प्रोग्राम में वैल्यू बदल जाएगी बट यहाँ पे एक और भी सटल प्रॉब्लम है कॉल बाय वैल्यू में ऑब्जेक्ट की एक टेम्प्ररी कॉपी बनी वो कॉपी चली गई फंक्शन के अंदर जब फंक्शन ने उस ऑब्जेक्ट के कॉपी के साथ जो भी करना था किया फंक्शन जब वापस आया तो वो टेम्प्ररी कॉपी डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज वो तो लोकल थी फंक्शन के लिए ना सपोज अ डिस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर दैट क्लास एंड द डिस्ट्रक्टर एक्चुअली गोज एंड डी एलोकेट्स मेमरी सो हेयर इज़ अ फ़नी क्लास जिसमें आपने कॉन्स्ट्रक्टर तो कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं किया ऑर्डनरी कॉन्स्ट्रक्टर है जो कि मतलब मेमरी एलोकेट करता है और पहले रूल के तहत अगर कोई ऐसी क्लास है जिसका कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करेगा तो डिस्ट्रक्टर होना चाहिए जो कि मेमरी डी एलोकेट करे कापी कंस्ट्रक्टर कोई नहीं है इसका हमने फंक्शन कॉल किया ऑब्जेक्ट की कॉपी बनी शेलो कॉपी सिर्फ पॉइंटर की वैल्यूज़ कॉपी हुई और आप चले गए फंक्शन के अंदर सो फंक्शन नाउ हैज़ अ टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट विद द सेम डेटा वैल्यूज़ एज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट फंक्शन ने जो काम करना था कर लिया जब फंक्शन एग्जिट करने लगा तो दिस टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड कोई चीज़ ख्याल आई भाई वो टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट विल कॉल इट्स डिस्ट्रक्टर इफ इट कॉल इट्स कॉल्स इट्स डिस्ट्रक्टर उसने मेमरी डीएलोकेट कर दी कौन सी मेमरी डी एलोकेट की जो कि इस टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट का पॉइंटर जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा था वो डी एलोकेट हो गया बट वो पॉइंटर तो वही एड्रेस रखता था जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस था बिकॉज दिस वॉज अ शेलो कॉपी वो मेमरी डी एलोकेट होगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है पकड़ के पॉइंटर बैठा हुआ इट्स पॉइंटिंग टू नथिंग यानी वट यू डन इज इन द प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन कॉल यू डिस्ट्रॉयड द ऑरिजनल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड इन द सेंस दैट इट इज एन इनवेलिड ऑब्जेक्ट नाउ It's pointing towards regions of memory that are unknown, very subtle but very critical. And this again is avoided by using a copy constructor which actually constructs a fully formed object with its own memory. What temporary object Jayaga function may whose temporary object will your destructor be called hoga? key memory be free hogi lake original object ko ku hoga. This is subtle. I'll recap kar. पहली चीज़ ये थी कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो तो उस क्लास के लिए डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड करें ताकि मेमोरी ज़ाया ना हो वो मेमोरी फ्री कर दे, डिलीट ऑपरेटर के थ्रू नंबर टू वाज़ ऐसी क्लासेस के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी हो जाता है अदरवाइज फंक्शंस विल प्ले है विद योर ऑब्जेक्ट्स जो भी कॉल बाई वैल्यू होगी वो ऑरिजनल ऑब्जेक्ट्स को तबाह करता रहेगा सो कंस्ट्रक्टर के साथ तो डिस्ट्रक्टर आ गया लेकिन साथ साथ एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करना लाजमी है एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि असाइनमेंट ऑपरेटर भी ऐसी क्लासेस के लिए प्रोवाइड करना लाजमी हो जाता है अदरवाइज यू विल नॉट हैव अ प्रॉपर क्लास अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक बट यू विल हैव टू एक्चुअली एक्सपेरिमेंट विद इट गेट योर हैंड्स डर्टी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बट दे आर वेरी वेरी कॉमनली यूज सो बी बिकम फेमिलियर विद दैम so what have we covered today we did a little recap That ji pointer it is a little variable that holds a memory address to get an address of a variable or an object we use the ampersand operator the and sign and sign is also used as a shorthand for a reference so whenever you have a declaration can the and sign it implies a reference Whenever you have an AND side on the right hand side of an assignment operator, it is taking the address of an object. Using pointers, we can do dynamic memory allocation. In C++, we have two very efficient operators provided, which are new and delete. We use them for obtaining memory from the free store and it returns a pointer to the allocated memory. Woham pointer variable. Ke ये तो ग्लोबल लेवल पे बात हो गई उसके बाद हम चले गए क्लासेस के अंदर जिनके अंदर बजाते खुद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है लिहाजा क्लास का डेटा मेंबर है जो कि पॉइंटर है और पॉइंटर जो है वो एट रन टाइम व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास वो मेमोरी एलोकेट करेगा कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा जितनी हमें ज़रूरत है सो देर इज़ नो वेस्ट ऑफ मेमरी यू डोंट हैव अ स्मॉल एरिया जिसमें बड़ी सारी वैल्यूज़ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं You don't have a huge area, just can the thodi C values rakni or baki memories zaya So we do dynamic memory allocation inside these classes. Whenever we have dynamic memory allocation inside a class, we have to provide a few things. We must provide a constructor that does the memory allocation for us and produces a well-formed object. We must provide a copy constructor that is able to create.

So, you allocate memory space, then you copy element by element into this allocated memory, and you've produced an assignment. And finally, when we do a deallocation, which means whenever we destroy an object, whenever it goes out of scope, rahe, functions can automatic variables, bante hai, so, automatic objects. Bante hai. Function, hota hai, those objects are destroyed. That is going out of scope, or they are no longer existing. We must provide a destructor. और डिस्ट्रक्टर के अंदर जो मेमोरी एलोकेट की गई थी उसको एलोकेट मतलब डी एलोकेट करना या डिलीट करना लाजमी है ताकि मेमोरी ज़ाया ना हो दीज टॉपिक्स विच आर कंसर्नड विद मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन एस्पेशली एज दे आर कंसर्न विद ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस यू शुड रिव्यू वेरी थॉरली एंड बी क्लियर दैट यू अंडरस्टैंड दैम नाउ वी हैव असेंशली कवर्ड Most of the major constructs of the language. What I would want to do is lead you through a few comprehensive examples, in which we have technique the programming techniques. We will do We are giving you assignments constantly. It is important that you do those assignments. But please don't stop there. Doing an assignment is that course number That is not the objective the objective, my personal objective, and generally the philosophy at the virtual university is that you have to gain knowledge. knowledge comes if you also work hard. so if assignments, midterms, karne, sirf finals, dene, you also have to do a lot of practice on your own. please make that part of your own life philosophy as well. only then will, will you learn these skills. C++ is not the only language ओनली लैंग्वेज दैट यू विल कम your इन योर प्रोग्रामिंग करियर दे विल बी अदर we want वी to यू टू लर्न course दिस कोर्स इज़ कि जी प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है प्रोग्रामिंग की कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या हैं और क्योंकि आजकल ज़माना है ऑबजेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग का तो हमने ऑब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दे दी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात अभी नहीं की उसके अंदर पॉलीमोफिज़म वर्चुअल फंक्शन इनहेरिटेंस ये सारे आते हैं जावा के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं लेकिन इफ़ यू नो द बेसिक्स राइट यू नो देर आर सिक्वेंस देर आर इट्रेशन और लूप्स देर आर डिसंस और तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी सिंटैक्स आप उस लैंग्वेज का अलहदा से सीख सकते हैं वेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएशन एंड द कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स द यू कॉन्सेप्टू ट्रीट एज जी एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है एक चीज़ डिस्ट्रॉय करनी है उसकी एक स्कोप है उसका एक लाइफ टाइम है हाँ सिंटेक्स फॉर द मोमेंट हम सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड एज ए सेड अर्लियर टू एक्वायर द स्किल्स एंड बिकम फेमिलियर विद दिस यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस द बुक दैट वी हैव प्रिस्क्राइब कॉन्टेन्स न्यूमरस एग्जाम्पल्स एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर अपने तौर पर जो आप में से ज़्यादा वो एग्ज़ाम्पल्स करेंगे वो ज़्यादा सीखेंगे दे विल बी मोर कम्फर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट And they will, of course, not only get more marks, but they will become more successful programmers. So, please practice a lot. Till next time, Khuda Hafiz.